अरे आ जाओ, जिसको आना है। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर, मैं इस जॉब के लिए तैयार हूँ, क्या आप मेरा इंटरव्यू ले सकते हो? अभी पागल उसी के लिए तो बुलाया, आ जल्दी से कुर्सी पे, नहीं तो टाइम वेस्ट मत करियो और जो आता है उतना बताइयो, फालतू मत बताइयो। ठीक है सर, जितना आता है उतना बताऊंगी पक्का। हाँ तो कुछ सवालों से शुरू करते हैं, ठीक है? उसके बाद आगे वाले सवालों पर जाएंगे। ठीक है सर, आप शुरू कर सकते हैं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। चलिए, तो आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम एक है। हाँ अच्छा नाम है। चलिए अब क्वेश्चन पूछता हूँ, आप इसके जितने आंसर बताओगे उतनी ज़्यादा आपके जॉब मिलने के चांसेस बढ़ते रहेंगे, ठीक है? शुरू करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन, अगर एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है और आपको गर्मी लग रही है तो आप उस वक्त क्या करोगे? सर मैं खिड़की खोल दूंगी। बहुत अच्छे, आपने पहला जवाब बिल्कुल सही दिया। चलिए आगे चलते हैं। थैंक यू सर, चलिए आगे चलते हैं। आगे वाले क्वेश्चन थोड़े हार्ड होने चाहिए, मैं आसान काम नहीं करती। अरे तू देखते जा, तेरे को मैं बताता हूँ, आज क्वेश्चन ऐसे पूछूंगा दुनिया में तेरे को किसी ने पूछे नहीं होंगे। चल हाँ तो बताओ, अगर एक सेब 10 रुपये प्रति किलो बिक रहा है और अगर उसी मार्केट में 40 रुपये प्रति किलो संतरे बिक रहे हैं तो प्याज के रेट उस समय कितने होंगे? सर मुझे कैसे पता, ये जवाब तो कुछ खतरनाक सा लग रहा है, मेरे सिलेबस से बाहर है ये वाला प्रश्न तो। ये आपने कहाँ से पूछा? बेटा आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो ना, आपने होम साइंस पढ़ी होगी, फिर भी आपको ये जवाब नहीं आता, लालच है आपके ऊपर, लालच। सॉरी सर, पक्का आगे वाले क्वेश्चन जरूर बताऊंगी। चलो बताओ, अगर एक गुफा में एक बंदा गिर जाता है और उसका घर उस गुफा से 10 किलोमीटर प्रति दूर है तो उसे एक ट्रेन से गुफा के अंदर से जाने में उसके घर में कितना समय लगेगा? सर ये आपके क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहे थोड़े से। तो तुम क्या आसान क्वेश्चन समझे थे हैं? चल भागे से, अगली बार से ध्यान से रखना, अगले दिन अगली वीडियो में अगले इंटरव्यू में आपसे इतने खतरनाक क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। भागो यहाँ से।